लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, आज गंगा की गंदगी को साफ करने का जो बेड़ा उठाया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक और महान कार्य है। लेकिन मैं आज यहाँ आप लोगों को उन नेताओं के प्रति सावधान करने के लिए आया हूँ जो किसी भी महान कार्य की देखा देखी अपना रंग बदलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि आप उन लोगों का साथ दीजिए जिन्होंने अपने खून से अपने परिवार का बलिदान देकर गंगा की पवित्रता की रक्षा की। उत्तर में बहती है कैसी निर्मल धारा, पूरब में रंग बदल गया हुआ जल भी खारा। राम कृष्ण को तोतापुरी ने ताना मारा। राम तेरी गंगा मैली मैली, राम तेरी गंगा मैली मैली। जल में दोष न कोई रह सकता है, इस जल में तो पाप जगत का बह सकता है। ऐसी गंगा देख कौन ये कह सकता है, राम तेरी गंगा मैली मैली, राम तेरी गंगा मैली ने गंगा को पूजा उसे शीश झुकाया। जिस देश में गंगा बहती है उसका गुण गाया। कुछ तो होगी बात जो फिर वो कहने आया, राम तेरी गंगा मैली मैली, राम तेरी गंगा। गंगा में मैल क्यों है ये तो सभी जानते हैं, पर मैं आपको एक बार फिर सावधान करता हूं कि आप उन नेताओं से बचिए जिनका तन जितना ही साफ है मन उतना ही गंदा और मैला है। भाइयों, हमारी आत्मा शुद्ध है लेकिन हमारे कार्य गलत हो गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज इस गंगा में हम गंदगी नहीं फेंकते, उस गंगा में जिसके लिए हमारे दिल में अटूट श्रद्धा है। इसीलिए भाइयों, अगर हमें गंगा को साफ रखना है तो सबसे पहले हमें गंगोत्री को शुद्ध करना होगा। और वो गंगोत्री कहीं और नहीं है, हमारे अपने अंदर है, हमारी गंदी राजनीति में है। हमें देश में फैले हुए भ्रष्टाचार, अपराध और अधर्म को खत्म करना है, वरना ये हिंसावादी, ये देश के दुश्मन अपने पापों को पवित्र गंगा में धोकर उसे मैली कर देंगे। इसीलिए भाइयों,
मैं आपका पार्टी प्रेसिडेंट बनकर इन सारे वादों को झूठ बोलता है ये, कमीने की बातों में मत आइए, ये गद्दार है, धोखेबाज है। बाबू, आज चाकू चला के मैंने अपने गांधीवादी पिता के आदर्शों की हत्या की है। मुझे अफसोस है, तुम्हारे पिता को बदनाम करने के लिए हमें तुम्हारा सहारा लेना पड़ा, पर आज पॉलिटिक्स और बिजनेस में सब कुछ जायज है। खैर, आपने जो कुछ कहा वो तो मैंने कर दिया, अब आप अपना कहा पूरा करें। क्यों नहीं, घर चलो। नमस्ते, लीजिए ब्रिज किशोर जी, आपके बेटे को छुड़ा लाया हूं। बड़ी मेहरबानी की आपने, आइए बैठिए। बड़ा एहसान है आपका, वरना आज के जमाने में ये... अब आप ही बताइए, आपकी ईमानदारी, वफादारी और देशभक्ति आपके बेटे की जमानत तक नहीं करवा सकी। खैर, अब जैसा तय हुआ था, अब आप हमारा काम करवा दीजिए। जीवा बाबू, क्या वाकई आज की दुनिया में सच्चाई से नहीं जिया जा सकता? जितने सत्यवादी थे वो शहीद हो गए, बाकी आजादी के बाद आपकी तरह भूखो मर रहा है। कम से कम अपने बेटे को चैन की जिंदगी जीने दीजिए और अपना बुढ़ापा संवारिए। ये दीवा बाबू, आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं था जो रुपया लेकर आए। भले ही रुपए से दुनिया की हर चीज खरीदी जाती है, बेची जाती है, पर हमारे आदर्शों की कीमत रुपया नहीं है जीवा बाबू। ये रुपया मैं तो लूंगा नहीं, हो सके तो मेरे बेटे चंदर को कोई नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी तो इसे जरूर मिलेगी, जिस दिन मेरी मिल खुल जाएगी आपका बेटा ही चीफ इंजीनियर होगा। इसका झूठा केस तो मैं चुटकी बजाते ही विड्रॉ करवा दूंगा, बस आप अपना नाम विड्रॉ करवा के भगवत बाबू को चितवा दें। ये रुपया मैं आपके लिए नहीं, आपके बेटे चंद्र और उसके बच्चों के लिए छोड़ जा रहा हूं। आइए साहब, डैडी की तबीयत कैसी बेटे? डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन देखिए ना कैसे गिरे हुए, मेरी तो एक नहीं सुनते। आप ही ने जाके कुछ बेटे, बेटा आराम करेगा तो देश का काम कैसे चलेगा? मुबारक हो जी, जीवा बाबू, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जीवा बाबू, सही मानों में तो ये आपकी जीत है, हमारी एकता की है, जनता की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप पहले चलकर आराम करिए, चलिए। साहेब साहब, हमारे सहयोगी जीत की खुशी में शाम को पार्टी देना चाहते हैं, आप भाभी जी को साथ जरूर लाइएगा। नरेन को भी जरूर साथ लाइएगा, राधा कहती तो नहीं पर दिल से यही चाहती है। भागवत चौधरी की जय, भागवत चौधरी की जय। तो पार्टी में नहीं चलोगे तुम? मुझे ये पार्टियां पसंद नहीं पिताजी। तुम्हारी पसंद की खातिर भागवत बाबू ने खास तौर से नहीं बुलवाया है तुम्हें। इतने बड़े राजनीतिक दल का प्रेसिडेंट चुने जाना कोई खेल की बात नहीं है। 5-25 समस्याएं हल होती हैं बेटे, काम धंधे की माँ, जिंदगी की नहीं। तो यहीं बैठकर सुलझाओ अपनी जिंदगी की समस्याएं, बेकार बहस करके वक्त जाया करने की आदत नहीं है मेरी। चलो जीवा, नरेन को नहीं ले जा रहा साथ में? कैसे ले जाऊंगा, उसकी बुद्धि उसकी उम्र से ज्यादा बढ़ गई है। मेरी बात उसकी समझ में आती है और उसकी बात तो खैर किसी की समझ में नहीं आती। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार और शिक्षा का नतीजा है। नरेन,
जीता दी माँ। इन दिनों तुझे हो क्या गया है बेटे? अपने बाप की बात क्यों नहीं मानता तू? बाप कहाँ है मेरे पिताजी दादी माँ? उन्हें तो रुपयों के आगे अपना बेटा नजर नहीं आता और बेटे को रुपयों के पीछे अपना बाप नहीं दिखता। पर जीवा ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है बेटे? सिर्फ तेरे लिए, तेरे सुख के लिए। मुझे सुख नहीं शांति चाहिए दादी माँ, जो इन विचारों में मिलता है मुझे। दादी माँ इस दुनिया में रुपया कमाने वाले तो करोड़ों पैदा हो गए, लेकिन लेकिन एक विवेकानंद क्यों नहीं पैदा हो सकता? जिस दिन प्रेम से जीना और आनंद में रहना सीख लेंगे लोग, उस दिन हर घर में विवेकानंद पैदा होंगे नरेन। पर ये तो एक जवाब है जिसमें कई सवाल छिपे हैं, और उन सवालों का जवाब तुझे खुद ढूंढना होगा। इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर, दुनिया देखकर, अपने आप को समझकर, फिर राधा बिटिया भी तो तेरी राह देख रही होगी बेटे। चला जा। कितनी देर लगा दी आने में, मेरा तो जी ही नहीं लग रहा था। अच्छा चलो पहले डैडी से मिल लो, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। उनसे आप ऐसा कहिए कि नरेन आए हैं। नमस्ते। आओ आओ नरेन बेटा, कैसे हो? जी बिल्कुल अच्छा हूँ, मेरी शुभकामनाएं। ये क्या है? वही किताब जो आज से 25 साल पहले कॉलेज के दिनों में लिखी थी आपने। राजनीति और भ्रष्टाचार। ये क्या मजाक है, कोई और प्रेजेंट नहीं मिला देने को? उस जमाने की याद ताजा कर दी इसने जबकि राजनीति और भ्रष्टाचार था। आज तो पॉलिटिक्स में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। क्यों भागवत बाबू, मुबारक हो। हाँ कुंज बाबू, जिस तरह आप घर की गंदगी से दूर कोठे पर चले गए जी, इसी तरह हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पॉलिटिक्स में आ गए। भगवत चौधरी जिंदाबाद, भगवत चौधरी जिंदाबाद, भगवत चौधरी की जय। प्रोफेसर साहब ये क्या है? आपने जो भाषण दिया था चौधरी साहब, उसका एग्जाम्पल हम लोग कॉलेज की ओर से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए उद्घाटन कीजिए। भगवत चौधरी जिंदाबाद। ये गंगा जल 2 साल पहले हमारे कॉलेज का ट्रुप गंगोत्री से लाया था, और ये गंगा जल अभी अभी कलकत्ता घाट से लाया गया है। खुद ही देख लीजिए दोनों में क्या फर्क है। इसीलिए पोल्यूशन की स्टडी के लिए इस बार हम लोग गंगोत्री जाना चाहते हैं, बशर्ते इस खुशी के मौके पर आप अपने पर्सनल फंड से हमें कुछ रुपया ग्रांट कर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर चमनलाल जी, कल आप इन बच्चों की मांगे पूरी कर दीजिए। भागवत चौधरी की जय। भागवत चौधरी की जय। भागवत चौधरी। डैडी तो जय जयकार में फंसे हुए और वो लोग चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में, पर आज मैं तुमसे वो बात करना चाहती हूँ जो आज तक नहीं कर पाई। हाँ कहो राधा, तुम क्या जरूरी बात करना चाहती हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब तुम आईने में देखते हो तो तुम्हें कौन नजर आता है? आईने में? आईने में मेरे अलावा और कौन नजर आएगा? यही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे तुम नजर आते हो। ओ, मैं तुम्हारे आईने में अपने को नहीं हमारी दोस्ती को देखता हूँ राधा। अच्छा मैं चलूं। कब समझोगे तुम मुझे और कब जानोगे मेरे दिल की बात? मैं कह रहा था मेरी वो फैक्ट्री की समस्या। हाँ वो अब आपकी नहीं मेरी है, और उसका समाधान मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखते जाइए ये पानी आपकी फैक्ट्री और उनकी समस्याओं को कहां ले जाता है, देखते जाइए। देश बचाओ, गंगा बचाओ। प्राप्त समाचारों के अनुसार आज कलकत्ता में आंदोलनकर्ता तथा फैक्ट्री कार्यकर्ताओं के बीच एक मुठभेड़ में
एक व्यक्ति की जान चली गई। सहाय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने को कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसमें करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। गंगा के प्रदूषण से संबंधित आंदोलन के संचालक श्री भागवत चौधरी ने इस तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने सरकार से इस हिंसक घटना की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। चीयर्स। चीयर्स। चमत्कार हो गया भागवत बाबू, नई मिल के खुलने से पहले ही पुरानी राख हो गई। और नुकसान भरेगी इंश्योरेंस कंपनी, लगे हाथों आप मजदूरों को लाखों रुपए देने से बच भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच लाखों की जमीन पर करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी आपकी। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी। पर आज अचानक ये गंगा के मैलेपन को लेकर ये आंदोलन, ये पॉलिटिक्स का नियम है जीवा बाबू, कि हर तोड़ फोड़ आगजनी और हत्याओं के पीछे कारण पवित्र होना चाहिए। सोचता हूं शहीद मजदूर के परिवार वालों को 10,000 रुपया दे ही डालूं। आपका दिल दरिया है जीवा बाबू, जब ही तो धंधा समंदर की तरह फैला है, दे दीजिए। रुपया देने से आपका ये बात धुल जाएगा, गंगा थोड़ी और मैली हो जाएगी। जवाब नहीं आपका। मैं पूछता हूं कि तुम लड़कों के साथ गंगोत्री क्यों जाना चाहते हो? दादी मां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं कॉलेज ट्रूप के साथ गंगोत्री जा सकता हूं? बेटे, तुम अपने पिताजी को जवाब क्यों नहीं देते? आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं यहां के घुटन से बाहर निकलना चाहता हूं। घुटन? किससे घुटन है तुझे यहां? अपनों से और अपने आप से। गंगा क्यों मैली है यहां, ये तो देख चुका हूं मैं। एक बार वो जगह भी देख लूं जहां से गंगा शुरू होती है। कुछ तो होगा वहां जो यहां नहीं है, और अगर वहां भी कुछ नहीं तो फिर ऐसी गंगा को मानने न मानने से फायदा? वाह, क्या बात है। आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा, तो यहां तो हाकिमों के बीच फंसा है नरेन हमारा। जीवा बाबू, आप अपने बंधन में इसकी आजादी को क्यों मांगना चाहते हैं, जबकि आप भी जानते हैं कि चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाए ना सिखाए, वो अपनी आजादी के लिए खुद सीखकर बहुत दूर चला जाता है। नॉनसेंस, बेहूद की भरी बातें हैं तुम दोनों की। जीवा, नरेन को जाने दे। मां, तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, अगर नरेन को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी है, मेरी आज्ञा है, नरेन जरूर जाएगा गंगोत्री। जा बेटे, तू जाके तैयारी कर। जवान बेटे की इच्छा टालना उसका गला घोटना है जीवा। इतने सारे कपड़े ले जा रहे हो, वहां बहुत दिन रुकोगे क्या? क्या भरोसा, किसी ने अपना लिया तो शायद कभी ना लौटूं। वैसे सुना है पहाड़ी लड़कियां चुटकी बजाकर फांस लेती है, काला जादू जानती है? तो तुम सफेद जादू सीख लो। जानती तो तुम्हें इतने दूर भटकने जाने देती क्या? वैसे हमारी दोस्ती भी अजीब है नरेन, जब हम पास रहते हैं तो कभी नहीं मिलते, और आज जो तुम दूर जाने लगे हो तो अच्छा नहीं लगता। अरे सैया जी, उतरेंगे पार नदिया। नरेन, तैयारी यात्रा की हो या जंग की, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। नमस्ते कुंज मौसा। जीती रहो। ये लो अल्पाइन हैट स्विट्जरलैंड की, और ये रहा स्वेट का जैकेट फ्रांस का। सर, हमने भी बहुत की हैं, मगर वो संगम और थे। जरा पहनाकर तो देखे मौसा, कैसे लगते हैं हमारे नरेन। हाँ, पहनो शौक से। ये हाय, अब की जो कोई ना फिसली तो समझ लेना जिंदगी भर नहीं फंसेगी। और देखो ये एक और नया तोहफा, ये एक खास कैमरा है जिसमें ना नेगेटिव धुलवाने का झंझट ना पॉजिटिव करवाने की खिटखिट, बस यहाँ से यूं यूं करके यूं खोला, यूं देखा और ये रही तुम्हारी तस्वीर। नरेन। जी दादी माँ। तेरे यहाँ ना बेटा। जी दादी माँ। प्रणाम दादी माँ। आओ आओ, जीते रहो। गंगोत्री जा रहा है बेटा, जाने कब बुलावा आ जाए। आंख बंद होने से पहले मुझे गंगा ला दे, मेरी ये इच्छा जरूर पूरी कर दे बेटा।
गंगा ला दे। दादी माँ यही रुलाओगी क्या? हंसता लौटूंगा कैसे? अरे नहीं मैं तो यूं ही कह रही थी, हंसता हुआ जा खुशियां बांटना लौट कर। राम राम। इस मर्तबा अचानक आना हो गया? क्यों आपको हमारा तार नहीं मिला? नहीं मिला प्रोफेसर साहब, पर सब इंतजाम हो जाएगा। आइए। गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे, गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे, ओ गंगा लेने। ओ गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे, गंगा लेने आए हैं गंगा लेके जाएंगे, ओ गंगा लेने आए हैं गंगा लेके। कौन है? कौन हो तुम? मैं पूछा मौत को गले लगाओगे तो गंगा को कैसे ले जाओगे साहेब? क्यों? एक कदम आगे बढ़ के देखो क्या है। कौन हो तुम?
तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? हाँ, जिंदगी और मौत बता के थोड़ी आती है। तुम्हें बचना था इसलिए मैं आ गई। पर साहब, बगैर जान पहचान के गंगा को कैसे ले जाओगे? इस लुटिया में। साहब सच बताओ, तुम इंसान हो या देवता? क्यों? शंकर जी ने तो अपनी जटा में गंगा मैया को जाने कब संभाल लिया था। अब आज तुम आए हो जो अपनी लुटिया में मुझे ले जाओगे? तुम्हें? तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूँ गंगा। गंगा? हाँ। नरेन, तुम्हारा नाम है? हाँ। बॉयज, कैसे के पता चला है? पिछले दिनों भारी बरसात होने की वजह से लंका और भैरव घाटी का रास्ता बंद हो गया है। इसलिए गंगोत्री न जाकर हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां के लोगों से मेलजोल बढ़ाइए और यहां के कस्टम, ट्रेडिशन और कल्चर की स्टडी कीजिए। पोस्ट बाबू, ओ पोस्ट बाबू, कहां से दौड़ी आ रही है गंगा? वो सब बाद में बताऊंगी पोस्ट बाबू। गांव भर में तुम ही तो ज्ञानी ध्यानी और विद्वान आदमी हो, जरा बताओ तो नरेन का मतलब क्या होता है? नरेन नहीं, नरेंद्र। इंसानों में जो देवता समान होता है उसे नरेंद्र कहते हैं। जब भी तो सोच रही थी जिससे मिली हूं मैं आज, वो इंसान है या देवता? देख गंगा, अपने देवता के चक्कर में मुझे मत डाल। तार पहुंचाने जाना है डाक बंगले पे, कुछ लड़के कलकत्ता से आ रहे हैं। पहाड़ों की डाक सेवा भी अजीब है पोस्ट बाबू, आने वाले पहुंच जाते और खबर बाद में आती है। पीयूष, तू तकदीर पे भरोसा करता है? क्यों नहीं करता? कल तक मैं तकदीर, भाग्य, किस्मत कुछ नहीं मानता था, पर अब ऐसा लगता है कि जिंदगी ही तकदीर का खेल है। वरना आज मुझे नई जिंदगी कैसे मिलती? नई जिंदगी? हाँ, अगर आज वो मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं मर गया होता। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी नहीं, उसी की है। किसकी? जिसके चेहरे पे नादानों सा भोलापन है, जिसकी मुस्कुराहट में फूलों की ताजगी है, जिसकी हंसी में लहरों की मिठास है और जिसकी आंखों में गंगा की गहराई है। अच्छी खासी लकड़ियां काट आया हूं, गट्ठर बना के रख दी है। सुना तूने? कल पहुंचा देना डाक बंगले पे। समझ में नहीं आता ऐसे बर्फ पानी के वक्त में जान जोखिम में डालने क्यों चले आते ये लड़के। सब नहीं भैया, सिर्फ एक आया है जान जोखिम में डालने वाला, वो भी मेरी जान। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? अपने को तो संभालते नहीं बनता, मुझे अपने साथ कैसे ले जाओगे? तुम्हें? पर तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अपने साथ? अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूं गंगा।
ऐसा लगा ये वादियां मुझे पुकार रही हैं, फिर लगा इन मीठे झरनों की तान होगी, पर यहां तो सब सिमट कर तुम में आ गई है। तुम किसी अपने को पुकार रही थी ना? साहब, पहाड़ों में कहते हैं सच्चे दिल से जिसे पुकारो वो जरूर आता है, पर तुम्हें किसका इंतजार है? साहब, जो मन में हो पर सामने ना हो उसी को तो पुकारा जाता है। सामने तो मैं खड़ा हूं गंगा, मन में कब बसा लिया तुम? दिल पहाड़ थोड़ी ना है साहब, जहां से आवाज टकराकर वापस लौट आए। दिल की आवाज तो दिल से टकराती है फिर वहीं बस जाती है। अब गंगा, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा जो दिल चाहता है वही करता है। लेकर आई हूँ टीकम जीजा, कहाँ रखूं? अरे गंगा, अरे आओ आओ, इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई है, भाई वाह कमाल कर दिया। अरे बिंदु, हाँ। देखो ये लकड़ियाँ कोने में रखवा दो और मैं जरा बाजार जाके आता हूँ, ये लो। कैसी है गंगा? आज बड़ी खुश नजर आ रही है, परदेशियों के आने से रौनक हो जाती है ना। अरे कुछ मत पूछ, काम भी तो बढ़ जाता है, देख अभी तक खाना भी नहीं बना, आज तो जरा मदद कर दे, जाकर कमरों की सफाई कर दे। ला दे झाड़ू। ए लड़की, ये कमरा तूने साफ किया? हाँ। ला निकाल मेरी घड़ी। कौन सी घड़ी? अरे कलाई वाली, और कौन सी? मुझे कोई घड़ी बड़ी नहीं मालूम। एक तो चोरी और उसके पर सीना चोरी, चल मेरे साथ। छोड़ दे मेरा हाथ। अभी बता दो कौन सी घड़ी। छोड़ दो मेरा हाथ, मैंने चोरी नहीं की। छोड़ दो मेरा हाथ, मैंने आपकी घड़ी नहीं चुराई। चोर है, मैं चोर नहीं। अभी पुलिस को बुलाता हूं, खुद पर खुद उगल देगी। मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सर, मैंने चोरी नहीं की। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। खोल दूंगा, पुलिस से भी बचा लूंगा, बस घड़ी की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो साहब, कोई है? दरवाजा खोलो साहब। गंगा तुम? साहब मुझे कमरे बंद कर रखा है, वो सब जबरदस्ती मुझसे। साहब दरवाजा खुलवाइए, दरवाजा खुलवाइए साहब। गंगा को तूने बंद किया? हाँ, उसने मेरी घड़ी चुराई है। क्यों? तू यहाँ का थानेदार है? छोड़ दे उसे, वरना मार मार के तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। क्यों, तू उसका भाई लगता है? अरे क्या हो रहा है, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? रोको ना, अभी बताता हूँ तुझे। आज अब कहां बच के जाएगा बेटे? छोड़ो,
डिवीजन में। ये क्या बदतमीजी है, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? मैं बताता हूँ सर, इसने गांव की लड़की को कमरे बंद कर दिया है और उसके साथ जबरदस्ती है। सर ये झूठ बोल रहा है सर, उस लड़की ने मेरी घड़ी चोरी की है। आप एक मिनट रुकिए सर। चल सर इसे पूछे सर, इसने मेरी घड़ी चुराई है या नहीं। तुमने चोरी की है? पहाड़ी लोग गरीब जरूर होते हैं साहब, पर चोर नहीं। सर ये रही इनकी घड़ी, ये रही इनकी घड़ी सर। ये साहब और वो साहब कल अड्डे पर दारू पीने गए थे, नशे में इनकी घड़ी गिर गई। जो एक बच्चे को मिली उसने लाके मुझे दे दी, अब मैं आपको दे रहा हूँ। ये है तुम्हारी घड़ी? जी वो, यस सर। देखिए इन पहाड़ वालों की ईमानदारी, तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो? आते ही शहरों की गंदगी यहां फैलाने लगे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वापस चलो, आई गेट यू बोथ रेस्टिकेटेड। गंगा, गंगा तुम वहां से चली क्यों आई? इसमें उनका क्या दोष है साहब, शहरी लोग हैं, जैसा सीखा होगा वही करेंगे ना। पर शहर से तो मैं भी आया हूँ। तुम कपड़ों से शहरी हो साहब, मन से नहीं, वरना गंगा में इतना विश्वास नहीं करते। गंगा नाम की पहाड़न के लिए मारपीट क्यों करते? ये जरूर तुम्हारे परिवार के किसी बड़े बूढ़े का आशीर्वाद होगा जो तुम गंगा को इतना पूछते हो। आशीर्वाद मेरी दादी माँ का है और उन्होंने मुझे गंगोत्री से गंगा जल लाने को कहा है। रास्ता बंद ना होता तो मैं जरूर जाता। तुम गंगोत्री जाना चाहते हो साहब? अपना विश्वास और दादी माँ के प्यार को निभाने जाना तो चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी पहाड़ी रास्तों से। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा तो मिलना मुझे नीचे वाली टेकड़ी पर। अच्छा कल सुबह। कल सुबह मुर्गा जब पहली बांग देगा। साहब रात को ही उठ के यहाँ चले आए क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पता क्यों नहीं चलेगा साहब, मुर्गा तो अब बांग देगा। अच्छा संभलो साहब संभलो, लुटिया दो और चलो मेरे साथ। कमाल है, तुम लोग के जादू टोना जानती हो? क्यों साहब? अरे शहरों में तो यह भी पता नहीं चलता कि घड़ी का अलार्म कब बजेगा, और तुम लोग हो जो मुर्गे की बांग तक का पता लगा लेती हो। मैं तो और भी बहुत कुछ पता लगा लेती हूँ साहब। क्या गंगा? आगे चलो तुम्हें भी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? इन शहरी कपड़ों की हेकड़ी और क्या, जानते हो ना कहाँ जा रहे हो तुम? गंगोत्री, और गंगा बर्फों से निकलती है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो ठंड से तिल तिला जाओगे। अरे स्वेट का जैकेट है फ्रांस का, और ये अल्पाइन हैट स्विट्जरलैंड का। इन्हें मामूली सर्दी में आदमी पहन ले तो लू लग जाएगी लू, और रही ठंड की बात वो तो दूर खड़े होके कांपेगी। अच्छा चलो थोड़ी दूर देखते हैं कौन कांपता है, ठंडी या तुम।
क्या हुआ साहेब? अब बोलो, कौन कांप रहा है, ठंडी या तुम? मैं कहां कांप रहा हूं? तो फिर उतारो जूते और चले आओ। हाँ। गंगा, पानी बहुत ठंडा है क्या? ठंडी में ठंडे पानी में जाने से गर्मी आ जाती है। हाँ, राइट। हाँ, अभी आ रहा हूं। तुम चलते कम हो और गिरते ज्यादा हो साहब। जानता हूँ ना, गिरने से पहले गंगा संभाल लेगी मुझे। पर ये बताओ, मैं अपने पांव कहाँ रखूँ? जमीन पे। अरे मेरे पांव तले जमीन खिसक गई है गंगा। और गंगे, मेरे पांव नंगे होकर ठंडे। जम गया, मर गया, कंबख्त दोनों का तो जगह पता नहीं चल रहा। किसका सहर? नाक का और टांग का। और किसका? टांग तो सुन पड़ गई, नाक नाक का तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अपनी जगह है कि भी नहीं? है तो अपनी जगह, लग नहीं रहा तुमको? नहीं। अब बोलो। फिर तो ये जम गई है, आंख बंद करोगे तभी ठीक होगी। ये क्या किया गंगा? मेरे पांव छू लिए। दुनिया में लोग माँ के पांव पड़ते हैं साहब, एक गंगा ही तो है जो पहले सबके पांव छूती है। जानती हो इस तरह सेवा कौन करता है? घरवाली साहब। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अनजाने रास्तों से मंजिल तक कौन पहुंचाता है? महबूबा। और जब ये किसी एक में मिल जाए तो कौन कहलाती है? तुम्हारी गंगा साहिबा। साहिबा? गंगा, क्या करिश्मा है इस गंगा के पास जाओ तो ठंड लगती है, तुम्हारे करीब आओ तो गर्मी। साहिबा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो गंगा। पोस्ट बाबू कहते हैं गंगा कलकत्ता में भी बहती है, फिर यहीं से जल क्यों मंगवाया तुम्हारी दादी माँ ने? क्योंकि दादी माँ ने गंगा के इस पवित्र रूप को नहीं देखा, अगर देखती तो हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। फिर यह सवाल सिर्फ लुटिया भर जल का नहीं है, उस विश्वास का है जो धारा बनकर गंगा में बहती है और एक बूंद बनकर औरत के दिल में बसती है। इसी बूंद को तो प्रेम कहते हैं गंगा, जिसकी गहराई में डूबकर आदमी प्रेमी बन जाता है, गंगा में बस जाता है, गंगा का हो जाता है, गंगा में समा जाता है। इतना गंगा को समझते हो साहिबा, तो ले चलो ना अपनी गंगा को साथ, ले चलो ना। पहाड़गंज से मंगरू की चिट्ठी आई है। मंगरू? क्या लिखा है? करण बाबू को मंगरू का राम राम। जैसा कि बचपन में तुम्हारे बाप और मेरे बापू ने तय किया था, सो अब मैं पूरा ब्याह लायक हो गया हूँ और गंगा भी बच्ची नहीं होगी। पूर्णमासी के रोज होने वाले स्वयंवर में भाग लेने मैं 2-3 दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। गंगा से कहना सारे गांव के सामने मेरे गले में माला डालकर अपना मर्द बना ले, इसी में दोनों की भलाई है। तुम्हारा जीजा मंगरू। रिश्ता तो ऐसे जोड़ लिया जैसे मेरा ब्याह उसके साथ हो ही गया हो। ब्याह हुआ नहीं तो हो जाएगा गंगा, रिश्ते स्वर्ग में नहीं बनाए जाते, तब इसी जमीन पे बनते हैं। और फिर हमारे बापू की आखिरी मर्जी भी यही थी, उसे पूरा करने के लिए मिलिट्री की नौकरी छोड़ आया हूं, आज तक शादी नहीं की। ये सोच कर के पहले तेरा घर बस जाए बहन। गंगा, हाँ? चलती रोटी छोड़कर कहां चली गई लड़कियां? मैं तो अपना फैसला कर चुकी साहिबा,
बस तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। पर कल आखिर है क्या गंगा? पूर्णमासी है, बिन मंडप का ब्याह होता है पहाड़ों में। साल में एक यही दिन होता है जब कोई पहाड़न अपने जीवन साथी को चुनती है। फिर अभी जो कहा तुमने, मंगरुआ क्या होगा जिसे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना था? पर मैंने तो नहीं चुना था साहिबा, मेरी जिंदगी और मेरी खुशियां तो अब तुम्हारे कदमों में है। अब फैसला तुम पर है कि तुम अपने प्यार के सहारे मुझे जीने दोगे या नहीं। पागल हो गया नरेन, इन पहाड़ी रस्मों को कौन मानता है? एक सिर्फ तेरे निभाने से इंडस्ट्रियलिस्ट जीवनानंद सहाय एक गरीब पहाड़न को अपने घर की बहू नहीं मान लेंगे। शादी इंडस्ट्रियलिस्ट जीवनानंद सहाय को नहीं करनी है पीयूष, नरेन सहाय को करनी है। फिर जो आज तक मुझे बाप का प्यार नहीं दे पाया, जीवन साथी के बजाय रुपयों की गुड़िया खरीद के देगा। हाँ, मुझे दादी माँ की जरूर परवाह है। फिर सोचता हूँ जो गंगा जल में इतनी श्रद्धा रखती है वो क्या साक्षात गंगा को नहीं अपनाएंगी? पढ़ना बेटी, क्या लिखा है नरेन? पूजनीय दादी माँ, सादर प्रणाम। यहाँ पहुंचकर साक्षात गंगा से मिला, जिसके अनोखे रूप ने मेरे अंदर के खालीपन को प्रेम से भर दिया। तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए दादी माँ, ताकि उसके पवित्र रूप को तुम भी देख सको। शेष मिलने पर परिवार के बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा लाडला नरेन। तेरे अलावा घर में और कौन छोटा है? प्यार भी लिखता है ऐसे छुपा कर कि मुझे पता ना चले। आने दे उसे, उसके आते ही तुम दोनों का गठबंधन करा दूंगी। तेरे पिताजी से मैं बात कर लूंगी। अब जैसे मैं कहती हूँ वैसे नरेन को चिट्ठी लिख। अच्छा दादी माँ। चलो। तुम्हारे प्यार ने जब मुझे सवारा तो आज मैं तुम्हारी दुल्हन बन गई। पर क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? अगर घर वालों को बेटा चाहिए तो उन्हें अपनी बहू को भी कबूल करना होगा। हाँ? सामने से करण सिंह, वहां जो सुहाग रात मनाई जा रही है वो आज उनके मौत की रात है। तू मेरी बहन और उसके सुहाग तक कभी नहीं पहुंचेगा मंगरो, उससे पहले मैं तेरे और इन पिल्लों के टुकड़े करके आग लगा दूंगा। Thank you.
आज सुबह ही उसका तार मिला तो हम सब शगुन लेकर यहाँ आ गए। सोच रहा था नरेन आ जाए तो एक बार उसकी भी राय ले ही ले। हाँ, हाँ। उसकी राय की क्या जरूरत है, जो हमने तय कर दिया वही उसकी जिंदगी का फैसला है। जब शुभ काम होने होते हैं तो सारे संजोग आप से आप जुड़ते चले जाते हैं। राधा बिटिया यहाँ जी। धीरे, जानती है नरेन मुझे कितना प्यार करता है। उसने तार में लिखा है, मैं खाली हाथ नहीं आ रहा, तेरी गंगा को भी साथ ला रहा हूं। तुम्हारी गंगा साहिबा। चल लेकर जा रहा हूं, दादी माँ का आशीर्वाद लेकर उनकी बहू गंगा को भी ले जाऊंगा। राह देखूंगी साहिबा, लौटे तो भी ना लौटे तो भी। जुदा होने से रिश्ते नहीं टूटते गंगा, मैं जल्दी लौटूंगा, बहुत जल्द। अपना सब कुछ मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ साहिबा, तुम्हारी गंगा चीथड़ों में जी लेगी। बस एक विनती करती हूं, अपनी गंगा को मैली मत होने देना। जाने का टाइम हो रहा है, कहां रह गया नरेन? कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रे? ठीक हूँ माँ। माँ मेरी दादी माँ कहाँ है? नरेन, दादी माँ, 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 मेरी दादी माँ, 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 मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिनने देगा? अरे वो सुखिया, मैं सामान से लूटिया रखी है, चली जा, चली जा। दादी माँ अब झट से आशीर्वाद दे दो और फट से खुशखबरी सुन लो। पहले सुन मेरी, ये सारी सजावट देख रहा है, पूछा गनी क्यों हो रही है? इसमें पूछना क्या दादी माँ, मेरे आने की खुशी में होगी। नहीं, आज सगाई है तेरी राधा के साथ। सगाई मेरी? हाँ। कुछ नहीं, तुमसे कुछ कहना चाहती माँ। ऐसी क्या बात है नरेन, बोलना सबके सामने। पहले तुम सुन लो, तुम ही कह देना सबको। जाने क्या कहना चाहता है चुपचाप अपनी दादी माँ से। मैंने भी वचन दिया है दादी माँ, चल तुम्हें सौंप कर अपनी गंगा को ले आऊंगा तुम्हारे चरणों में। पर ऐसा अनर्थ ना करो मेरे साथ दादी माँ, ऐसा अनर्थ ना करो। राधा तो मेरे बगैर जी लेगी पर मर भी नहीं पाएगी दादी माँ।
मैंने गंगा को अपनाया है, जिसका साक्षी अग्नि नहीं हमारा मिलन है। ये सात फेरों का बंधन नहीं है दादी माँ, वचन का बंधन है जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। ये तूने क्या किया? दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ, क्या हुआ? माँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ क्या? पता नहीं। हुआ क्या? डॉक्टर, समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। जीवा बाबू, ये हार्ट अटैक अचानक किसी भी बात से हो सकता है। वैसे मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम ना मिला तो कार्डियक मॉनिटर का इंतजाम कर दूंगा। तुम अच्छी हो जाओ दादी माँ, तुम अच्छी हो जाओ। दादी माँ, मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ है दादी माँ, उसे झूठ मान लो दादी माँ, उसे झूठ मान लो। तुमने आखिरी दिनों के लिए गंगा जल मंगवाया था ना, मैं तो आखिरी सांस ही ले आया तुम्हारे लिए। दादी माँ कुछ हो गया पिताजी? माँ, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। कहा तूने मां से नरेन? कुछ नहीं। सच बोल दे। बोल! बस भी करो जीवा बाबू, ऐसा क्या कर दिया इसने? एक घर से दो अर्थियां निकलवाने पर तुले हुए हो। तुम्हारी हिमायत की इस घर को कोई जरूरत नहीं है कुंज। पहले तो तुम ही थे, अब दो दो कलंक हो गए इस खानदान में।
किसी गलत फहमी में ना रहिएगा जी बाबू, गुस्सा हमें भी आता है। तो क्या हाथ उठाएगा तू? रड्डी बास, रखेल के टुकड़े खोर, मां के रहते तेरे कदम इस घर में बर्दाश्त कर लिया मैंने, निकल जाना ही तो टुकड़ों में भिजवा दूंगा तुझे। रंडी बाज बड़ी सख्त जान होती है, आसानी से नहीं निकलती। और रही तुम्हारी घर की बात, तो हम तो उस कोठे में भी दोबारा नहीं गए जहां थूक दिया एक बार, और इस चौखट पे आज से कदम रखा तो कह लीजियो रखेल के टुकड़े खोर। पर एक बात याद रखना, मेरा तो कोई बेटा है नहीं, नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं। सुबह से 5 बार नरेन को ट्राई कर चुकी हूँ, मिलता ही नहीं। कॉलेज आया था वो? नहीं राधा। तो एक बार उसके घर पर मिलाओ प्लीज पीयूष। ना चाहते हुए भी मैं उसके घर पे गया था राधा, लेकिन वो मुझसे भी मिलने को तैयार नहीं है। बाहर से उसने कहलवा दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? उसने तुम्हें कभी कुछ तो बताया होगा? गहरे दोस्त हो तुम दोनों, मेरी समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है उसे। मैं क्या बताऊं राधा। गंगा, ओ गंगा, पोस्ट बाबू, उनकी कोई चिट्ठी आई पोस्ट बाबू? नहीं गंगा, अलबत्ता नरेंद्र साहब के नाम से अब चिट्ठी पहुंची है कलकत्ता से जबकि वो चला गया। दे दो पोस्ट बाबू, जब वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें दे दूंगी। पर डरती हूँ पोस्ट बाबू, चिट्ठियां तो फिर पहुंच जाती हैं पहाड़ों पे, कहीं उन्हें आने में देर ना हो जाए। क्यों, कोई बात है क्या? गंगा माँ बनने वाली है पोस्ट बाबू। अरे पगली, आते ही होगा तेरा साहिबा, और न जाने कितने तोहफे लेकर आएगा कलकत्ता से। पर औलाद का नजराना तो सबसे बड़ा है ना, वो तू दे देना उसे है? जब से दादी माँ गुजरी हैं, तूने घर से बाहर नहीं झांका नरेन। बार बार राधा का फोन आता है, बीसियों दोस्त आकर लौट गए तेरे, क्या जवाब दूं? कम से कम एक बार राधा से तो बात कर ले। क्या बात करूं माँ? तेरे मन की बात मैं क्या जानू बेटे। दादी माँ का कहना सच था, चार दीवारी में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, ना ही दुख तक कम होता बेटे। तुम ठीक कहती हो मां, मुझे कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मेरा विश्वास मत तोड़ना राधा, तुम ठीक शाम के 7 बजे मुझे हावड़ा स्टेशन आकर मिलो। हावड़ा स्टेशन? क्यों? क्यों किस लिए मत पूछो राधा। लेकिन हाँ, अगर हो सके तो 1500 रुपए भी साथ लेते आना। हाँ मैं पैसे लेके आ जाऊंगी, इंक्वायरी काउंटर पर मेरा इंतजार करना। Thank you.
इतना तो बता दो नरेन, तुम जा कर रहे हो और लौटोगे कब तक? प्यार की राहों में आगे बढ़कर कोई वापस नहीं लौटता ना था, और मैं भी नहीं लौटूंगा। कल सुबह के अधिवेशन में हम समाज सुधार पर भाषण दे रहे हैं, और सुबह सीएम साहब से मेरी बात करवा दीजिए। अरे राधा, तुम यहाँ? क्या बात है बेटा? दादी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर जाओ, जरूर जाओ। अब फ्रेंड्स के साथ जा रही होगी, नरेन भी साथ जा रहा है? कोई साथ नहीं जा रहा है दादी, मैं अकेली ही जाऊंगी। क्या हुआ? हाँ मानता हूँ बेटा, ये कामकाज की वजह से तुझे वक्त नहीं दे पाता हूँ। उधर दादी माँ के गुजर जाने से साल भर के लिए शादी की बात भी टल गई। जरूर घुमा बेटे, नरेन के साथ दार्जिलिंग चली जा, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ दादी, दादी फोन मत कीजिए दादी, नरेन तो चला गया, चला गया। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर सकता। सच सच बताओ, नरेन कहाँ गया है? अब कभी नहीं लौटेगा दादी, कभी नहीं लौटेगा। नरेन को खो चुकी हूँ मैं, अब वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा दादी, कभी नहीं लौटेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भागवत बाबू? बिना बताए वो आज तक कॉलेज नहीं गया, शहर छोड़कर कैसे जा सकता? वो जा चुका है जीवा बाबू, और लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन कहां गया होगा? दरबान, मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि वो कहां गया होगा, थोड़ा परेशान हूं कि जिस बेटी की खुशी मेरी जिंदगी का मकसद है, वो बदकिस्मती से आपके बेटे से प्यार करती है। और ज्यादा परेशान इसलिए हूं कि नरेन के ना लौटने की सूरत में कितनी आसानी से बर्बाद कर दूंगा मैं आपको। चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ तो बात होगी, सर पे चढ़ा रखा है तुमने उसको, तुमसे उसने कुछ कहा? नहीं तो, पर देखिए तो सही, शायद कोई चिट्ठी या पता ठिकाना छोड़ गया हो। सुनो, ये देखो, ये वही लुटिया है ना जिसमें नरेंद्र मां के लिए गंगा जल लाया था? हाँ है तो वही, क्यों? जीवा बाबू, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अक्सर जवानी के जोश में लड़के अपने होश खो बैठते हैं। चमनलाल जी, जी होम मिनिस्टर साहब से हमारी बात करवाइए। अब नरेन कहीं नहीं जा सकेगा। तुम लोग गौर से फिर सुन लो, गोरा चिट्टा लड़का, कद 5'9", हाथ में काला बैग है, सारी गाड़ी। Thank you.
मेरी गंगा को बेटा होगा, मैं नाना बन गया, तेरा नाती हुआ। ले बिंदु, ले बिंदु, तू मीठा कर, तू भी करके ला, तू भी खा। और ये ले, सारे गांव में बांट देना और सबको कहना कि पोस बाबू नाना बन गया, पोस बाबू नाना बन गया, पोस बाबू नाना बन गया, तेरा नाती हुआ। अरे गांव वालों सुनो, पोस बाबू नाना बन गया, उसका नाती हुआ। उदास है नरेन? मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है, पंडित से लगन मुहूर्त भी निकलवा लिया है। राधा बिटिया की पूजा सफल हो, तुम दोनों का ब्याह हो जाए, बस मैं गंगा नहा लूंगा। आइए ये तशरीफ लाइए। घर आना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं रे कि तूने मुझे दिल से ही निकाल दिया। ऐसा ना कहो मौसा, ऐसा मत कहो। तेरे बाबूजी के घर के दरवाजे भले मजबूत, पर कुंज को तेरे हर सांस की खबर है, सब मालूम है मुझे। जानता हूं मौसा, अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर कुछ तो है तेरी खामोशी में, मन ही मन तू मां से बहुत कुछ कह रहा। एक बार जबान से मुझे भी बता दे बेटी, भरोसा नहीं दूंगा मैं तेरा। कह दूंगा मौसा, सब कुछ बता दूंगा, जो कोई ना समझा शायद तुम समझ सको। तो फिर चल। अरे आन आन। ये कमीना नरेंद्र को कहां लिए जा रहा है? पूजा के रोज क्यों आप शब निकालते हो? आज तो नरेंद्र घर से बाहर निकला और फिर कुंज गैर तो नहीं, भला चाहता है उसका? जानता हूं, खाक भला चाहता है उसका। उनकी तो कोई खबर आई नहीं पोस्ट बाबू। उनके नाम की जो चिट्ठी आई थी उसे पढ़ दो, कोई अता पता मिल जाए तो बेटे की खुशखबरी पहुंचवा दूं। ये चिट्ठी सुन सकेगी गंगा? जो उनके बिना बेटा जन सकती है वो एक खत भी ना सुन सकेगी पोस्ट बाबू। प्रिय नरेन, शुभ प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। दादी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही, उन्हें पूरा विश्वास है कि पवित्र पावन गंगा ही तुम्हें नया जीवन दे सकती है। तुम जब यहाँ पहुंचोगे तब तक पूरी तैयारियां हो चुकी हों। दादी माँ ने तुम्हारी और मेरी बात पक्की कर दी है, बस तुम्हारे पहुंचने का इंतजार है और हम दोनों एक अटूट बंधन में हमेशा के लिए बन जाएंगे। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी अपनी राधा चौधरी, 112 अलीपुर कोलकाता। गंगा ठीक ही तो है पोस्ट बाबू, मेरे प्यार का हक तो मुझे पहले ही दे गए हैं। बच्चा भले पलता माँ की कोख में है पर बीज तो बाप का ही होता है, और अगर पिता का नाम ना मिला इसे तो मरते मरते मुझे माफ नहीं करेगा पोस्ट बाबू, भले भले आज उन पर मेरा कोई अधिकार ना हो, पर इसका तो है, मैं इसको पिता का अधिकार दिलाने कलकत्ता जाऊंगी पोस्ट बाबू। तू जाएगी कलकत्ता गंगा? ठीक है, चल मैं पहुंचा दूंगा तुझे। बाप बेटी को दरवाजे तक विदा करता है पोस्ट बाबू, ससुराल की चौखट तक नहीं। बस इतना बता दो कलकत्ता कहाँ है,
जहां से गंगा शुरू होती है वो तेरा घर है, और जहां गंगा खत्म होती है वो कलकत्ता है। देख नरेन, न कभी चांद ने बौने को छुआ है और न कभी बौना चांद को छू सकता है। ये तेरी जवानी का जुनून है, ऐसे प्यारों मोहब्बत के रिश्तों को आज की दुनिया में निभाया है किसी ने? वाकई में मौसा, किसी ने नहीं निभाया। पर वो कौन सा रिश्ता था जिसके बूते पे अचानक तुमने उन कोठों पर जाना छोड़ दिया, जहां पर तुम्हारे नाम से चिराग जलाए जाते थे? क्या है यहां जो उस कोठे पर तुमने अपना घर बसा लिया? एक बौद्धी के लिए सब कुछ छोड़ दिया तुमने, यहां तक के जात बिरादरी को भी। वो बात अलहदा थी, जात बिरादरी मेरी तकदीर का लेखा नहीं मिटा सकती थी। सच्चाई को तकदीर पे मत थोपो मौसा, सच तो ये है तुम बौद्धी को प्यार करते हो, बहुत प्यार, जो मासी माँ ने तुम्हें कभी नहीं दिया है। अगर उसने समझा होता मुझे तो शायद कभी कोठों पे जाना ही ना पड़ता, और फिर अकेला जान के उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। पर तू अकेला नहीं है नरेन, तू दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तेरा बाप है कि जिसने तेरी जिंदगी को अपनी जागीर समझा हुआ है, और दूसरी तरफ वो ससुरा भागवत चौधरी है कि जिसके हथकंडों और ताकत के खिलाफ सरकार नहीं लड़ सकती। तो तेरी तो औकात ही क्या है, तू लड़ेगा तो किस बलबूते पर? गंगा के, उसके प्यार के बल पे। जीत गया तो जिंदगी मिलेगी, हार गया तो मुक्ति। ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में मौसा, मेरी गंगा ला दो, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा मौसा, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा। क्यों पगले रोने लगा? तेरा कुंज मौसा सारी जिंदगी अच्छा इंसान ना बन सका, शायद तेरे लिए भागीरथ बन सके। कल ही जाऊंगा और ले आऊंगा तेरी गंगा को। ये बस ऋषिकेश तक जाएगी, वहां उतरकर किसी से भी स्टेशन के बारे में पूछ लेना, कलकत्ता का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाना, पैसा पता फोटो सब कुछ इस गठरी में रख दिया है। ले बेटी, ले बेटी, संभाल कर जाना। जा बेटी, जा बेटी, जा बैठ जा। डोली तो तेरी ना उठ सकी गंगा, आरती उठने से पहले अपने बेटे को उसके बाप तक पहुंचा देना। पोस्ट बाबू, बेटी को विदा करके आए, धीरज रखने के बजाय दिल छोटा किए बैठे हो। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कैलाश, गंगा के बेटे को बाप का नाम मिल जाए, गुमनाम या बदनाम ना मरे। भाई साहब, भाई यहाँ के पोस्ट बाबू कहाँ रहते हैं? मैं ही पोस्ट बाबू हूँ, पर मैंने पहचाना नहीं। कुंज बिहारी नरेन है ना, नरेन का मौसा। मैं गंगा को लेने आया, उसने कहा था आपसे मिल लूं। आप भी पोस्ट की चिट्ठी की तरह देर से आए कुंज बाबू, गंगा तो चली गई। कहां? कलकत्ता। कलकत्ता? जी, नरेन का बेटा लेकर उसकी तलाश में कलकत्ता गई है। नरेन का बेटा?
ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ साहब जी, पहाड़न गरीब होती है, बगैर भीख मांगे परदेसी उनकी झोली भर जाते हैं। उधर उसका भाई भी मारा गया, यहाँ ताने सुनकर मरती, इससे तो अच्छा था ना कि चली गई। कब गई? दोपहर वाली बस से। अच्छा तो खोज बाबू, मैं चलता हूँ, अभी तक ऋषिकेश नहीं पहुंची होगी, रास्ते में पकड़ लूंगा। पर आप पहचानेंगे कैसे? नरेन की पसंद को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, लाखों में एक होगी, पहचान लूंगा। चलो भाई। कंडक्टर साहब, आपकी बस में गंगा नाम की कोई लड़की है? जी मैं पूछता हूँ, आप लोगों में से गंगा किसी लड़की का नाम है? कोई नाम गंगा है? नहीं साहब, कोई नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो बहन, कलकत्ता स्टेशन कहाँ है? कलकत्ता स्टेशन? मेरा मतलब है कलकत्ता जाना है मुझे, बता सकोगी स्टेशन कहाँ है? अकेली हो? हाँ। थोड़ी दूर है स्टेशन, छोड़ दूंगी तुम्हें वहां तक, अंधेरा होने को है। अपनी माई से कह दो जरा आओ। अरे ओ बहन जी, बहन जी गठरी आपकी है। हाँ लीजिए। गंगोत्री से यही बस आई है? हाँ हाँ यही है। अजी कंडक्टर साहब। जी हाँ। आपने गंगा को देखा है? पीछे बैठी है, किसने नहीं देखा होगा। हेलो। नहीं नहीं, मेरा मतलब एक लड़की जिसका नाम गंगा है, गोद में एक नन्हा सा बच्चा, खूबसूरत सी, लाखों में एक। हाँ साहब, आई तो थी ऐसी एक लड़की हमारी बस। हाँ। लेकिन बता नहीं सकता आप कहाँ चली गई होगी। मुझे मालूम है कहाँ गई होगी। ड्राइवर चलो स्टेशन, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने मिले तुझे? 7 रुपए 10 पैसा। ना दे इधर, साले दान पुण्य करने आ जाते हैं ऋषिकेश और भीख देते, शर्म आती है। ला दे, जा बैठ जा इसके साथ। तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ अपनी माई को बताकर। माई माई माई, दूल्हे की बच्ची हराम जादी, अंधेरा हो गया, अब आई है, हिसाब क्या तेरा बाप देगा? धीरे बोल माई। ले 40 रुपया मिला है आज। शाबाश, तगड़ा दानी था क्या कोई? ये तो कुछ भी नहीं है माई, 100 की कमाई लाई हूँ। किधर है? बाहर खड़ी है। आ चल मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, बड़ा प्यारा बच्चा है, तेरा है क्या? दुकान की कमाई है क्या मतलब? एक बच्चे की माँ हो गई, मतलब नहीं समझती कैसी होती है कमाई। चल अंदर, अभी समझाती हूँ। चल आजा, जरा संभल के। Thank you.
कर्मा, कौन है तू? गंगा। गंगा? गंगा किनारे शमशान होता है, आज शमशान में गंगा क्या कर रही है? रात यहाँ गुजारना चाहती हूँ बाबा। रात भर तो मुर्दे के बंधु भाई भी नहीं ठहरते। तुम छोटी जात का न होता तो तुझे अपने घर ले चलता। नहीं नहीं, मैं यही रहूंगी। मर्जी तेरी, डरेगी तू नहीं रात को? जिंदा इंसानों से डर लगता है बाबा, मुर्दों से किस बात का डर? रात भर जलेगी ये चिता, न हो तो सेकते रहना, ठंड बहुत ज्यादा है। शनिराहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। पंडित जी, जी कलकत्ता जाना है मुझे, बताएंगे स्टेशन कहाँ है? मार्ग बता तो देता बालिके, पर एक अड़चन है, अर्घ के तुरंत बाद पूजन ना हो तो पंडित पाप का भागी होता है। चलो घर चलो, वहां से चल चलेंगे। आओ आओ, आओ। जाओ वहां खटिया पे बैठ जाओ, बच्चे को भी वहीं लेटा दो, पूजन के बाद रास्ता दिखा देता हूं, वरना स्टेशन दूर थोड़े ही ना है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं पंडित जी? खुला रहने से पूजा में बाधा पहुंचती है। आओ। ये सब क्या हो रहा था हैं? क्यों है पंडित की तुम, क्या कर रहा था लड़की के साथ? सुनो ये पंडित, यहाँ छुपा बैठा है क्या? चलो। ए लड़की, ये बच्चा तेरा है, उठा चल पुलिस स्टेशन, वहीं चलकर बयान देना इस हरामी के बारे में। चल बे बड़े, चल। ये हराम ज्यादा जबरदस्ती तुझे घर ले गया था? नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी। फिर तूने यहाँ के मुझे रिपोर्ट क्यों की मोटी कि कोई आदमी आकर लड़की को पुछला के ले गया? हाँ? शक सरकार, अपने मर्द को भला किसी गैर लड़की के साथ कैसे देख सकती थी? ठीक है ठीक है, कान खोलकर सुन लो पंडित, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम जैसे दया धर्म के बंदों को जिंदगी भर के लिए अंदर कर दूंगा, समझे? जाओ यहाँ से। और तुम भी। जी। तुझे कलकत्ता जाना ना, टिकट के पैसे हैं तेरे पास? रामधन, कलकत्ता की टिकट लेकर इसे गाड़ी में बिठा देना। देखो जीत जी, मेरा घर आना किसी को पसंद नहीं, और ना ही इस खानदान से मेरा नाम जुड़ा है, फिर भी मैं सोचता हूं कि मेरा फर्ज है कि कम से कम तुम्हें इत्तला दे दूं। पर इसमें हमारी तबाही है कुंज, नरेन के पिताजी कभी नहीं मानेंगे। अगर हम इस शादी से इनकार करेंगे तो चौधरी साहब की दुश्मनी हमें चौराहे पे लाकर खड़ा कर देगी, जहां मांगे हमें कोई भीख नहीं देगा। सुख शांति से नरेन की शादी राधा से हो जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। हमें बचा लो कुंज, नरेन को कुछ भी समझा दो, पर हमें बचा लो, हमें बचा लो कुछ, हमें बचा लो। मौसा, मौसा, बौदी, मौसा, आओ नरेन। अभी अभी खबर मिली, बस दौड़ता चला आया। आओ आओ बैठो। बैठूंगा बाद में, पहले बताओ गंगा कहाँ है? गंगा का कोई पता नहीं चला नरेन।
मतलब? मैंने उसे बहुत ढूंढा, पता किया, मगर वो नहीं मिली। उसका भाई मर गया तो एक रोज वो भी गांव छोड़ के चली गई। मैं नहीं मानता मौसा, नहीं मानता। गंगा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तेरी कसम नरेंद्र, गांव में अब गंगा नहीं है। तेरी याद में वो पहले ही से बावली थी। किसी ने बताया कि भाई के गम में बिल्कुल ही पागल हो गई। कईयों ने तो यहां तक कहा कि वो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं। अरे मौसा, नहीं, मेरी जिंदगी मुझसे नहीं रूठ सकती। मौसा, मैं मान सकता हूं कि गंगा मेरे लिए भटक सकती है, मुझसे रूठ नहीं सकती। कभी नहीं मौसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नरेन, नरेन, अब ये रोना धोना बंद कर। नरेन, माफ कर देना बेटा मुझे। चारा नहीं डालो तो जानवर भी दूध नहीं देता। कोई स्टेशन आते ही बच्चे को पानी पिला देना। गंगा जल है इसमें, आखिरी बखत के लिए ले जा रही हूँ। सादा होता तो दे देती। पानी पिला दो। पानी कहाँ मिलेगा? उधर मिलेगा। बेटी,
जान रहेगी तेरी तो जहान मिल जाएगा। स्टेशन कायम रहे, गाड़ियां बहुत आ जाएंगी। क्या बताऊं बाबा, घर बार छूट गया, उनका पता ठिकाना लुट गया। ये आखिरी आसरा था उन तक पहुंचने का, ये भी मुझे छोड़ गया। पर बेटी तुम्हें जाना कहाँ है? कलकत्ता। बाबा तुम मुझे पहुंचा दोगे वहां तक? अंधा हूँ बेटी, भले रास्ता नहीं दिखता मुझे, पर तुम्हारी मंजिल तक मैं तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा। आगे से दाएं ले लेना भैया। बाबा आप? मैं अंधा नहीं हूँ बेटी। फिर ये चश्मा? आंख वालों की नजरों से तुझ जैसे हीरे को उड़ाने के लिए अंधा बनना पड़ता है। आओ आओ आओ। अरे मनीलाल, राम राम। आओ आओ। कहाँ रहे इन दिनों? ये दरवाजा तो बिल्कुल ही भूल गए। और आज तेरे साथ ये कौन है? ताजेश्वरी भाई, आज एक अनमोल मनी लेकर आया है मनीलाल। एक बार इसकी दर्द भरी तान सुन लो, कले जाना फट जाए तो कहना। अच्छा, गायकी सीखी है इसने कहीं? सीखा तो शास्त्र जाता है ताजेश्वरी भाई, यहाँ तो साक्षात सरस्वती बैठी है इसके गले में। वाह, गले में सरस्वती, चेहरे से उर्वशी, यहाँ लक्ष्मी तेरे कदम चूमेगी। बस नाचना सीख ले तू। देखिए, मैं तकदीर की नचाई बेबस औरत हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझे बर्बाद मत कीजिए, जीते जी मत मारिए मेरे बच्चे को, जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाना चाहती हो? रोकूंगी नहीं मैं, पर इतना सुनती जाओ, औरत शौक से नहीं, ठोकर खाकर कोठे पर आती है। यहां से एक सीढ़ी नीचे उतरोगी तो वहां चकला मिलेगा तुझे, और जानती हो चकला क्या होता है? जहां औरत के बदन की रुई से भी बदतर धुनाई होती है। शायद इस बच्चे के बाप का पता होगा तुझे, पर वहां किसके बीच से क्या जनेगी वो तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकता। बर्बाद तो यहां भी हो जाऊंगी मैं, अपने बेटे को इसके पिता के पास पहुंचाना है मुझे। पर पहुंचाएगी कहां? बगैर पते ठिकाने के एक इंसान को कहां ढूंढेगी? बाहर घर घर दरवाजे दरवाजे ठोकरे खाती फिरेगी, जहां हर चौखट पे बैठा इंसान तुझे नोचने दौड़ेगा। और फिर ये जगह तो नाम से बदनाम है, यहां पाप नहीं होता, तन का व्यापार भी नहीं होता, यहां तो दिल पे चोट खाए हुए आते हैं और थोड़ी सी राहत पाकर चले जाते हैं। मनीलाल कहता है तेरे गले में स्वर का जादू है, तो हमारे यहां भी कदरदानों की कोई कमी नहीं है। यहां रहकर चार पैसे कमा ले, तेरे बेटे को बाप का आसरा तो मिला नहीं, कम से कम मां के त्याग के सहारे तो पल जाएगा।
मनीलाल, इसके ठहरने का इंतजाम करो, मैं मंदिर जा रही हूँ। रत्ना, ऊपर वाला कमरा खाली है ना? जी हाँ। इसके रहने सहने का बंदोबस्त वहीं कर। गंगा अब इसी घर आने में रहेगी। बाबा, जिस तरह गुमराह करके तुम लाए हो मुझे यहाँ, वो रास्ता किसी और को मत दिखाना, वरना दुनिया में लोग अंधों पर भी भरोसा नहीं करेंगे। तेरी गंगा तेरे आश्रम को छूकर गंगा सागर में समाती है भगवान, फिर मेरी गंगा को बगैर मुझसे मिलाए क्यों मौत के महासागर में ढकेल दिया? नरेन, तेरी दौड़ तो बस घर से आश्रम तक रह गई है बेटे, भाई साहब आए हैं तुमसे मिलने। बेटे, पार्टी के अधिवेशन के लिए बनारस जा रहा हूँ, दो चार रोज में लौटाऊंगा। राधा ने तो अपनी चीजों की लिस्ट दे दी है, तुम्हें वहां से कुछ मंगवाना है? कहीं गंगा मिल जाए तो लेते आइएगा। जरूर ले आता बेटे, पर बदकिस्मती से गंगा कलकत्ता में भी बहती है। आइए जीवा बाबू, मैं खुद ही वहां से इसके लिए कुछ लेता आऊंगा। मनीलाल, ये कौन गा रहा है? क्यों मजाक करते हैं मालिक, कल की लड़की है, बहुत कच्ची है, इसे भेजकर अपनी इज्जत की मट्टी पलीत थोड़ी करनी है हमें। पर जिसकी आवाज में इतनी कशिश है, उसकी सूरत में कैसी दीवानगी होगी? भाई हमें एक बार दीदार तो करवा दो। हाँ हाँ, जरूर जरूर सरकार। गंगा जरा इधर आओ, सरकार बुला रहे हैं। लेकिन हुजूर, इसकी तालीम अभी तक पूरी नहीं हुई, शास्त्र सीख रही है सरकार, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि चौधरी साहब की शान में। मणिलाल, भले चौधरी साहब का देशभक्ति ईमान है, मगर उनकी असली जान तो ये सब है, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? गुस्सा तो आप यहीं कहीं पीकदान में थूक दीजिए सरकार। आज तो चौधरी साहब के बज्म की रौनक गंगा ही बढ़ाएगी। गंगा, चौधरी साहब की खिदमत में पान पेश करो। Thank you.
मनीलाल, इसकी उतर चुकी है। एक बच्चे की मां है सरकार। की औलाद के माथे पर बाप का नाम नहीं लिखा होता। यूं तो किसी के माथे पे उसके बाप का नाम नहीं लिखा होता। कहना चाहती है कि हम सब बदियों की औलाद हैं। हम तेरी तरह बाप की गठरी लेकर बाजारों में नहीं घूमते। पर बाजार में बैठते तो हैं साहब। चमनलाल जी, तमीज की जगह ये बातें कुछ ज्यादा ही सीख गई है। इससे पहले कि ये हमें करे, आप इसे कर दीजिए। चौधरी बाबू, वो द्रौपदी थी जिसकी लाज बचाने कृष्ण आया। रंडी की लाज बचाने कोई नहीं आता। लाज तो अपने मोहन को मैं कब की दे चुकी हूँ साहब।
यकीनन ये पेशावर तो नहीं है, पर हाँ ये चोट खाई लड़की आज हमें जरूर घायल कर गई। कदरेदान हैं आप मालिक, जौहरी हैं सरकार। ताजेश्वरी बाई से कहो कि हमसे अनदेखी मुंह मांगी रकम ले ले, हम इसे कलकत्ता ले जाएंगे और तुम इसे हमारी बगान बाड़ी पहुंचाओगे। मनीलाल इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, उस पर कल राधा ही राज करेगी। सो तो है बहन जी, आप हुकुम कीजिए, कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर देता हूँ। आंटी बिल्कुल पूरी कर दीजिए। हाँ बेटा, वैसे जहेज की मुखालिफत करना तो आप जनता जनार्दन के लिए करते हैं, उसे अपने आप पे लागू करना एक नेता की बेइज्जती हो। फरमाइए कैसे याद किया। कुंज बाबू ये चुपती हुई बातें कम किया करो और लड़की वालों की मदद करो। हुकुम भाई, हमने तो इतनी बारातें भी नहीं देखी जितनी बार तुम दूल्हा बन चुके हो। शादी में संगीत का इंतजाम तुम्हें करना है। अच्छा, तो फिर बनारस जाना पड़ेगा क्योंकि कलकत्ते के सबसे बड़े घराने में तो हम बसे हुए हैं। अच्छा, तो फिर आज ही चले जाओ, लेकिन संगीत की रात यहाँ पहुंच जाना। यहाँ भी पहुंच गए, घर घुसने की आदत नहीं गई तुम्हारी। यहाँ जीवा बाबू, कुत्ता भी लाख बुरा हो वफादारी नहीं छोड़ता, हम तो इंसान हैं। आइए समधी साहब, आइए आइए, एक नजर देखिए। चौधरी साहब, पूरा बनारस ही खरीद लाए क्या? इससे तो आधा समझिए, आधा बनारस तो हमारी बगान बाड़ी में है। क्या मतलब? कल राधा बिटिया ब्याह कर चली जाएगी तो फिर अकेला किसके सहारे जिंदा रहूंगा। सोचा कुछ अपने लिए भी, एक बच्चे की मां है तो क्या हुआ, गाहे बगाहे आपका भी दिल बहलाएगी। आइए एक नजर आप भी डाल लीजिए। आइए क्यों रह गए ना आप भी ठगे? इसे देखकर पहले मेरी भी यही हालत हुई थी हुजूर, यूं ही खरीद कर नहीं ले आए इसे, दोनों मिल बांट कर खाएंगे। शादी ब्याह से निपट लें, फिर ये तो घर की गंगा है, जब जी चाहेगा डुबकी मार लेंगे। क्यों सुन लिया बाबा, तजेश्वरी बाई तो कहती थी हमारे यहां तन का व्यापार नहीं होता, फिर किसका मन रखने के लिए बेच दिया मुझे यहां। अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जब तुम्हें देखती हूँ मेरे अंदर से एक हाय निकलती है, औरत की हाय तो लोहे को भस्म कर देती है, फिर तुम तो एक इंसान हो, डरती हूँ कहीं मेरी हाय तुम्हें ना लग जाए, इसलिए हाथ जोड़कर कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देख के नहीं चलते मनीलाल। कुंज बाबू आप? हाँ भाई, तुमसे मिलने तो मैं बनारस जा रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सच बताना, शिकार से लौट रहे हो शिकार पे जा रहे हो? मैंने ये धंधा बंद कर दिया है कुंज बाबू, औरत को गुमराह करते करते आज मैं खुद राह पर आ गया हूँ, और मैंने तय किया है कि अब इस पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा। शायद बेचारी गंगा मुझे माफ कर दे। कौन गंगा? है एक पहाड़न लड़की, गंगोत्री से आई है,
बेटे को लेकर भटक रही है। कहती है कि उसके बेटे का पिता यहीं कहीं कलकत्ते में रहता है। और कुछ ना कहो मनीलाल, मुझे उस गंगा के पास ले चलो। जानते हैं आपने क्या किया है? आप जिसे बनारस से लेकर आए वो चिंगारी नहीं, आग है, जिसकी लपटें आप नहीं देख पा रहे, पर उससे होने वाली तबाही मुझे साफ दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए देखिए, ये उसी लड़की की तस्वीरें हैं जिसके लिए नरेन भागा था कलकत्ते से। ये कैसे हो गया? कल अगर नरेन को ये मालूम पड़ गया कि ये लड़की पहाड़ों पर नहीं आपके आंगन में है, तो जानते हैं क्या नतीजा होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगा, गंगा, मैं कुंज हूं, नरेन का मौसा। क्या आप नरेन को जानते हैं? हाँ बेटी। आप मेरे साहिबा को जानते हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। हाथ जोड़ती हूँ आपके, पांव पड़ती हूँ, मुझे एक बार उनके पास ले चलिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। बेटी, मैं तो तुझे लेने तेरे गांव गया था, हर जगह तुझे ढूंढा मगर तू नहीं मिली, और अब मिली है तो उस वक्त जबकि तकदीर पलटा खा चुकी है। मैंने ही तेरे नरेन को मजबूर किया कि वो कहीं और शादी कर ले, ये झूठ बोल के कि तू मर चुकी है। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन बाजार में जाकर बैठी थी। अपनी लाश को इसलिए ढो रही हूं ताकि उनके बेटे को उन तक पहुंचा सकूं। आप एक बार मुझे इनसे मिलवा दीजिए, सच कहती हूं, फिर मैं चली जाऊंगी यहां से हमेशा के लिए। बेटी, ले जाने को तो मैं तुझे अभी नरेन के पास ले जाऊं, मगर जिन लोगों ने तुझे नगर वधू बनाया है, जिन्होंने तुझे अपनी अय्याशी के लिए खरीदा है, वो तुझे अपने घर की बहू कबूल करेंगे? नहीं। और जब तक नरेन सारी दुनिया के सामने तुझे अपनाएगा नहीं, तेरे बेटे को लोग हराम की औलाद कहेंगे। तूने तो कड़ी अग्नि परीक्षा दी है बहू, अब परीक्षा तेरे राम की है। चौधरी साहब बुला रहे हैं। इतनी रात गए आना हुआ? सब खैरियत है ना? गंगा कहाँ है? अंदर है, बुलाऊं यहीं? और से सुनो, आधे घंटे के बाद तुम्हें बनारस जाने वाली गाड़ी मिलेगी। गंगा को फौरन बनारस पहुंचा दो ताजेश्वरी बाई के पास। चलो। अब अगर ये लड़की दोबारा कलकत्ता की सरहद में नजर आई तो तुम दोनों को कटवाकर फेंकवा दूंगा। अभी इसी वक्त से लेकर यहां से चले जाओ, समझे? ये लो। समझा। चलिए चमनलाल जी। समझ गए, पर गंगा उल्टी नहीं बहती चौधरी साहब। गंगा कलकत्ते से बनारस न लौट के कभी गई है और ना जाएगी। हरगिज नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरी जान ले लेंगे ना, मार डाली मुझे, पर मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप लोग चलिए। तू फैसला कर चुका है नरेन कि शादी नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि जो लड़की इस दुनिया में नहीं है उसके लिए जीना चाहता है तू। तुम नरेन, मैं सब नहीं पर गंगा के बारे में कुछ जरूर जानती हूं, पर तू एक बात समझ ले मेरे बेटे, अगर तू ये शादी नहीं करेगा तो इस घर से दो अर्थियां निकलेंगी, एक तेरे पिताजी की और दूसरी मेरी। चौधरी साहब, एक पुरानी कहावत याद आ गई, शादी में दूल्हा आता है दुल्हन लेने के लिए, समधी आता है समधी से मिलने,
पर बाराती आते हैं लजीज खाने के लिए और उम्दा नाच गाने के लिए। भाई सेठी साहब, ये नेक काम मैंने कुंज बिहारी के सुपुर्द किया है, बस वो आता ही होगा। आइए कुंज बाबू आइए। लोग आपकी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, आने में बड़ी देर लगा दी आपने। कहीं देर ना हो जाए इसीलिए जल्दी आया हूं। और फिर शादी राधा की है, इस संगीत की रात में गाने के लिए मीरा को ढूंढना पड़ा। अब देखना यह है कि राधा की वरमाला बांधती है मोहन को या हारी हुई मीरा की तान। गंगा, तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा। हाँ, झूठ बोला था मैंने कि गंगा मर गई। भाई ये नहीं पूछेगा तू कि क्यों झूठ बोला तेरे मौसा ने, इसका जवाब तू अपनी मां से पूछ जिसने मुझसे झूठ बुलवाया तेरे घर की बर्बादी को रोकने के लिए। भागवत चौधरी जो सारे सहाय खानदान को तबाह करने पर तुला था, उससे बचने के लिए। तबाह? कह दो जी जी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। माँ, पर इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है रे? राधा से तेरी शादी होने वाली है और तेरी गंगा नाचने गाने वाली एक नफरत की चीज है। बाजारू चीजों से घर सजाए जाते हैं, बस आए न। चुप रहो मौसा। और अगर ये जानने के बाद भी तू इसे अपनाना चाहता है तो पहले पूछ सफेद पोश भागवत चौधरी से किसने बनाया, बनारस से इसे खरीद के किस लिए लाया और अपनी बगान बाड़ी में इसे बना के क्यों रखा। धिक्कार है भागवत बाबू, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को खेल बनाकर रखा है आपने। राधा आपकी बेटी है, अगर उसे कोई खेल बना लेता तब आप पर क्या गुजरती। आराम खोर जुबान पर लगाम दे। आज हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा पिताजी, वरना बड़े छोटे की दूरी खत्म कर दूंगा। जिस दो टके की के लिए तू अपने बाप पर हाथ उठाने को तैयार है, जान सकता हूं मेरे सपूत की कौन लगती है वो? जानना चाहते ही कौन लगती है? जानते ही कौन है? ये मेरी गंगा है, मेरी पत्नी है, सहाय खानदान की बहू है। तेरे कह देने से किसी भी लड़की को सहाय खानदान की बहू मान लूंगा क्या? मत मानिए जीवा बाबू, जिसे मानना था जब वो मान गया तो आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कमीने। खूब बदला लिया तूने उस दिन के झगड़े का, खुद तो कोठे पर जाकर घर बसा लिया, सोचता है मेरा खानदान भी कोठे पर जाकर रहने लगेगा। मौसा ने तो कोठे पर घर बसाया पिताजी, पर आपने आपने मेरी गंगा को घर के बजाय कोठे पर बैठा दिया। बकवास बंद करो। ऐसे नाटक मैंने जिंदगी में बहुत देखे हैं। जमालाल जी, जी उठाइए इस लड़की को और घर से बाहर फेंक दीजिए। जी यही रुक जाओ। बस कीजिए दादी, बस कीजिए। किसी दूसरी की खुशियां छीनकर अपनी बेटी को सुखी नहीं बना सकते। हाँ राधा, किसी को बेटी बनाकर लाते तो जिंदगी भर पूछती मैं आपको, सहारे के लिए सौतेली माँ ले आते
तो भी अपना लेती, पर वाह डैडी वाह, एक हाथ से अपने बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं आप और दूसरे हाथ से एक सुहागन को खेल बना दिया। देख लिया नतीजा, आपकी बेटी बिन ब्याही विधवा हो गई। मुझे माफ कर देना था, कुछ मत पूछना गंगा, अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं मेरे पास, बस इतना कहूंगा कि चलो यहां से, इन बड़े घराने वाले मतलब परस लोगों के बीच हमारा कोई काम नहीं, हम अपना घर वहीं बसाएंगे जहां गंगा का धाम हो। नाचने गाने वाली महफिल और कोठों की रौनक बनती है साहिबा, घर की नहीं। मैं यहां तुम्हारी सवरती जिंदगी में जहर घोलने नहीं आई हूं, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारे पास पहुंचाना है। ये तुम्हारा बेटा, गंगा अपने ऊपर हजार दोष ले सकती है पर हमारे बेटे पर कोई उंगली उठाए ये कभी नहीं देख सकती, तुम इस निर्दोष को कबूल कर लो साहिबा। गंगा मेरा बेटा, ये हमारा बच्चा है, ये आपका पोता है पिताजी, सहाय खानदान का चिराग। गंगा किसी गैर को नहीं लाई है पिताजी, बेटे को बाप तक पहुंचाने आई है। रोक लो नरेन, गंगा को रोक लो, वो चली गई। गंगा रुक जाओ, गंगा 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 रुक जाओ, गंगा 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 इसे गोली सुला दो। रुक जाओ गंगा, गंगा रुक जाओ, गंगा गंगा भगवत चौधरी। तूने गंगा को मार डाला, तूने मेरी गंगा को मार डाला। खबरदार जो कोई हमारे बीच आया वरना भागवत के साथ वो भी मारा जाएगा। गंगा गंगा सलील बजाक, तूने मेरी गंगा को क्यों मार डाला बोल। रामखोर, मेरी गंगा नहीं मेरा तू है, मैंने तेरे जैसे इंसान है बोल। हरामखोर बोल, नीच खूनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा मर जाना ही अच्छा है भागवत, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ, बंद करो ये पागलपन। सामने से हट जाइए पिताजी, वरना दुनिया कहेगी एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। नहीं नरेन नहीं, ऐसा मत करो, गंगा जिंदा है। मैं गंगा और अपने बेटे को यहां से लेकर जा रहा हूं पिताजी, आप हमें जिंदगी तो दे नहीं सकते, अगर मार सकते तो लीजिए, उठाइए बंदूक, मार डालिए हम तीनों को पिताजी, निकाल लीजिए अपनी भड़ास, मार दीजिए हमें पिताजी, मार दीजिए, डालिए हमें। गंगा चलो यहां से, हम लोग यहां से दूर बहुत दूर चले जाएंगे, चलो। नरेन तू सागर है और गंगा तू धारा,
और गंगा का मिलन गंगा सागर में होता है, वहीं उसका संगम, वहीं उसकी मुक्ति। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होंठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होंठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा